दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिंग क्या होता है या फिर इस इंटरनेट की दुनिया में इस पिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों एक छोटा सा स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं पबजी खेल रहा था एक स्क्वाड के साथ। जब हमने गेम को स्टार्ट किया और मैं गेम के अंदर गया तो मैंने नोटिस किया कि हमारा जो एक टीममेट था वो बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहा था। तो मैंने उसको पूछा यार तुम बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन क्यों हो रहे हो, तो उसने बोला यार मेरा पिंग जो है वो काफ़ी हाई है, कभी 750 जाता है, कभी 800 जाता है, कभी 900 तक चला जाता है। तब मैं समझा अच्छा इस बंदे का जो है ऑफलाइन ऑनलाइन होने का रीज़न जो है ये पिंग है। नहीं समझे आप? समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं नजरुद्दीन अहमद, आप देख रहे हैं टेक गेम कब देर किस बात की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों ये पिंग होता क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। अब दोस्तों ये पैकेट इंटरनेट ग्रोपर या फिर कह लो पिंग क्या होता है, तो दोस्तों अगर मैं आपसे सिंपली भाषा में कहूँ तो जब किसी दो कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता है सक्सेसफुली बिना किसी एरर के, और एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में जब कोई डेटा को ट्रांसफर किया जाता है तो वो जो ट्रांसफर होने का जो स्पीड होता है उसी को हम कहते हैं लेटेंसी टाइम या फिर रिस्पॉन्स टाइम या फिर पिंग टाइम। और जनरली दोस्तों पिंग टाइम को जो है मिली सेकेंड में डिनोट किया जाता है। आपने देखा होगा पबजी में या फिर कहीं इंटरनेट टेस्ट जब किया होगा, स्पीड टेस्ट, वहां भी देखा होगा आपने कि 200 ms, 500 ms, 1000 ms, ठीक है, 900 ms, 700 ms। तो ये ms का मतलब होता है मिली सेकेंड। अब दोस्तों जब हम अपने कंप्यूटर में पिंग टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली ये काम करता कैसे है, देखो जब हम अपने कंप्यूटर में पिंग टेस्ट करते हैं तो पिंग टेस्ट के दौरान होता क्या कि हमारा कंप्यूटर एक डेटा का पैकेट बनाता है और वो क्या करता है आपके ISP तक सेंड करता है, आपके ISP के सर्वर तक। ISP मत का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उसके सर्वर तक वो डेटा को ट्रांसफर करता है। जब उसको रिसीव हो जाता है तो वो कहता है हाँ भैया हमें सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। उसके बाद आपका ISP जो है वो भी एक डेटा का पैकेट बनाता है, वापस से आपके कंप्यूटर तक वो सेंड करता है। जब आपका कंप्यूटर जो रिसीव कर लेता है तो हाँ मुझे भी ये जो है सक्सेसफुली जो है रिसीव हो गया है, हमारे कनेक्टिविटी में कोई भी एरर नहीं है, हम दोनों जो है कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये डेटा जाने और आने में जो टाइम लगता है इसी टाइम को हम कहते हैं पिंग टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए दोस्तों हम इसको थोड़ा एग्जांपल की मदद से और भी डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे से 100 मीटर दूर खड़े हो और मैंने आपको देखा और देखने के बाद हाथ हिलाया, आपने भी मुझे देखा और देखने के बाद आपने भी हाथ हिलाया, तो इसका क्या मतलब है, आपने मुझे देखा पहचाना और हम दोनों जो सक्सेसफुली बिना किसी एरर के कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब मैंने आपको देखा और हाथ हिलाया तब आपने मुझे देखा फिर पहचाना उसके बाद हाथ हिलाया, तो ये देखने और पहचानने में जो टाइम आपने लिया, जो रिस्पॉन्स करने में जो टाइम लिया, जो अपना एक्ट करने में जो टाइम लिया, उस टाइम को हम कहेंगे पिंग टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। इसी टाइम को हम कहेंगे पिंग टाइम। या फिर एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसके ऊपर टंकी में अगर मैंने मोटर चला रखा है और पानी भर रहा है, और अगर आप छत के ऊपर खड़े हो तो मैं आपसे पूछूंगा क्या टंकी में पानी भर चुका है, तो आप बोलोगे हाँ टंकी में पानी भर चुका है। तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब मैंने बोला कि टंकी में पानी भर चुका है और आपने सुना तभी आपने जवाब दिया, तो मेरा साउंड निकलने के बाद और आपके कान तक पहुँचने में के दौरान कुछ तो टाइम लगा होगा, तो ये जो टाइम लगा होगा तो सेम टाइम वही लगेगा जब आप कुछ बोलोगे और मेरे कान तक वो साउंड आएगा। तो ये जो जाने और आने में जितना भी टाइम लगा, रिस्पॉन्स करने में जितना भी टाइम लगा, इसी को हम कहते हैं पिंग टाइम, ओके फ्रेंड्स। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि ये जो पिंग टाइम होता है ये गेमिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर गेमिंग के लिए हम बात करें, अगर आप कोई ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए पिंग जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? मान लो दोस्तों कि मेरा 100 ms पिंग टाइम है और आपका 500 ms पिंग टाइम है और हम लोग दोनों शूटिंग गेम खेल रहे हैं, तो आपका रिएक्ट करने से पहले मैं रिएक्ट कर लूँगा क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में आप जो शूट करना चाहेंगे उससे पहले ही आप ढेर हो चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका सर्वर जो है बहुत लेट से रिस्पॉन्ड करेगा और मेरा सर्वर जो है बहुत स्पीड में रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इसलिए गेमिंग के लिए, या फिर दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लो कि हम कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं, अगर कोई टर्न है, अगर मेरे को टर्निंग लेना है और मेरा पिंग टाइम जो है बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा पिंग टाइम है, अगर मान लो राइट, अगर मेरे को टर्न लेना है तो जब मैं राइट की प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा, जब डेटा का सर्वर आपके कंप्यूटर को लेकर आएगा वो काफ़ी टाइम ज़्यादा ले लेगा और पता चलेगा आपको जब तक वो टर्न लेने के बजाय वो जाकर कहीं पे गाड़ी आपका ठुक चुका है, ठीक है।
तो इसीलिए ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग खेलते हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो गेमिंग के लिए पिंग बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन इसी का ठीक अपोजिट अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर आप यूट्यूब वीडियोस प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पिंग का रोल प्ले नहीं करता। क्यों? मान लो दोस्तों, अगर आप कोई नेट यूज़ कर रहे हैं जो कि 10 MB/s है और जिसका पिंग टाइम 10 ms है, ठीक है, तो ऐसे में अगर आप यूट्यूब वीडियो जो देख रहे हैं तो आप जब यूट्यूब वीडियो को प्ले करेंगे तो आपने देखा होगा जब प्लेइंग जो बार होता है उसमें पहले से बफर में कुछ वीडियो चला जाता है, वाइट वाइट कलर का जो एक लाइनिंग जो जाता है वो आप पहले से डेटा को जो है बफर में रख लेता है। अभी मान लो 10 Mbps आपका नेट का स्पीड है और आप 1 सेकंड में 2 MB का जो डेटा को है ना, मतलब आप कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपके पास डेटा कितने का लेकर आया, 10 MB का, क्योंकि 10 Mbps/s है तो 1 सेकंड में वो 10 MB का जो डेटा आपके सामने रख दिया और आपने कितना यूज़ किया, 2 MB का, तो मतलब आपके पास 8 MB का डेटा अभी भी जो है बफर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पिंग टाइम अगर आपका स्लो भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे आपका नेट स्पीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। या फिर अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पे भी आपका नेट का जितना भी स्पीड अच्छा होगा तो उतने स्पीड में वो डेटा को आपको लेकर आएगा। मान लो कि मेरा पेज का साइज है अगर मान लो कि 1 MB, ठीक है दोस्तों, और अब मेरा नेट जो है 10 MB/s है तो ये क्या करेगा, वो 1 सेकंड के अंदर ही वो पूरा पेज को खोल देगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो पिंग बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है, यहाँ पे जो है आपको इंटरनेट का स्पीड अच्छा चाहिए ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर हम गेमिंग की बात करें तो वहाँ पे पिंग टाइम आपको बहुत ही अच्छा चाहिए। अगर स्पीड अच्छा नहीं भी है तो पिंग टाइम बहुत अच्छा चाहिए क्योंकि आपको मतलब क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो यही था दोस्तों पिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। जाओ या लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।